सोलन के उपमंडलाधिकारी अर्की के निर्देशानुसार राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला छात्रा अर्की में एक मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया, जिसमें नायब तहसीलदार अर्की बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। इस एक दिवसीय कार्यक्रम में अग्निशमन केंद्र अर्की के प्रभारी भूपेंद्र ठाकुर द्वारा स्थानीय शिक्षक संस्थानों व औद्योगिक शिक्षण संस्थानों से आए छात्र छात्राओं को भूकंप के समय आने वाले अपने आपदाओं के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी दी गई। उन्होंने उपस्थित जनों को फायर फाइटिंग के बारे में भी जानकारी दी कि आग लगने की स्थिति में किस तरह आग को बुझाया जाए, साथ ही आपातकालीन स्थिति में किस प्रकार व्यक्ति को बचाया जा सकता है उसके बारे में भी अग्निशमन जवानों द्वारा प्रयोग करके मौखिक रूप से विद्यार्थियों को जागरूक किया गया। जवानों ने प्रैक्टिकल करके भी बताया कि भूकंप के समय यदि सीढ़ियों से आना जाना मुश्किल हो जाए तो लिफ्ट का सहारा लिया जाता है। सबसे पहले इसमें बताया जाता है कि व्यक्ति कहां फंसा है, तत्पश्चात रेस्क्यू कैसे किया जाए, जिसका प्रयोग करके भी दिखाया गया। अर्की के प्रभारी भूपेंद्र सिंह ठाकुर ने कार्यशाला के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि ऐसे कार्यक्रम स्कूलों व प्रशिक्षण संस्थानों में समय समय पर आयोजित किए जाते हैं, ताकि बच्चों को इस बारे में जागरूक किया जा सके और किसी भी आपदा के समय ये बच्चे इस जानकारी का लाभ उठा सकें। आप जो है जो कांगड़ा में 4 अप्रैल 1905 में भूकंप आया था, उस विषय में 2-3 स्कूलों को इकट्ठे करके जो है मॉक ड्रिल कराई जाए, उसके लिए हमने एसटीएम साहब के साथ मीटिंग करके जो है हमने गर्ल्स स्कूल चुना कि गर्ल्स स्कूल में कराया जाए, क्योंकि हमने पहले बॉयज में करा दिया था, इसलिए हम चाहते थे कि गर्ल्स स्कूल में जो है ये मॉक ड्रिल का आयोजन किया जाए, जिसमें हमने भूकंप के बारे में और आपदा के बारे में और फायर फाइटिंग के बारे में बच्चों को टीचर्स वगैरह बॉयज एंड गर्ल्स और आईटीआई के शिक्षण टीचर्स इनको अवगत करवाया, लेक्चर द्वारा भी अवगत करवाया और प्रैक्टिकल द्वारा भी बताया गया।